उत्सव के एक मिनट गणपति चलेगा वो, आप कंटिन्यू करते गजानन गणपति महाराज की जय। अब एक अरे नमस्कार, ठीक है कैसे हमारा सब विश्वनाथ बैनर तले बन रहे थे और इसका नाम है बलम्मा संकिया से, जो कि एक सामाजिक पृष्ठभूम पर आधारित होगी और एक मैसेज देगी। फिल्म भोजपुरी फिल्म होने के बावजूद ये एक मैसेज देगी। आज भोजपुरी फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन ये फिल्म एक मैसेज देगी। और मुझे इसका नारियल फोड़ते समय बड़ी खुशी हुई कि मेरे दोस्त गोविंद सजनवा और श्रीवास्तव जी, मेरे बहुत करीबी श्रीवास्तव जी मेरे बहुत करीबी रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये श्रावण का महीना है और बैनर का नाम विश्वनाथ और आज सोमवार है। ये संयोग है कि बहुत ही अच्छे मुहूर्त में इसका उद्घाटन हो रहा है और इसकी सफलता की गारंटी खुद शंकर जी देंगे। बस मैं सारे स्टाफ को इनके शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बस्टर होगी और फिर हम नई फिल्म की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने पूरे भोजपुरी समाज के प्रणाम। गोविंद सजनवा, जो कि मैं अपने विश्वनाथ फिल्म हाउस के बैनर तले बना रहा हूँ फिल्म को, जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं कि बर्मा शंकी आशिक। और ये हमारी जो फिल्म है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी मोदी जी निकाले हैं स्वच्छ भारत के अभियान, तो हम लोगों के दिमाग के स्वच्छता के लिए इसमें एक एजेंडा है इसमें। और जो देख रहे हैं आप लोग बीच पे, तमाम अभी लड़कियाँ लोग देखते हैं आप ड्रिंक करती हैं और सीक्रेट कॉलेज में निकलती हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सबसे ऑडियंस से, मेरा निवेदन है आज के जो जनरेशन है कि हर चीज़ मीडिया और हर चीज़ पुलिस प्रशासन, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। आप लोग भी कुछ इसके लिए आप लोग आगे आओ, इसको रोको आप। इससे क्या होता है, दिमाग में वायरस फैलता तो लोग ऐसे घटनाएँ करते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, एक अच्छी सामाजिक फिल्म है, आप लोग देखेंगे इसको और आप लोग सब प्यार देंगे हमारे पूरे टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा महानगर के एडिटर साहब को, जो हमारे पूजा में आए और आशीर्वाद दिए। बस सर, तो आज मुहूर्त भी हो गया, आप शूटिंग की शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, शूटिंग का शुरुआत हम यूपी में करेंगे, इसमें बनारस, मिर्ज़ापुर और अपने ज़िला जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम जन्मभूमि भदोही ज़िला से, शुरुआत वहीं से करेंगे हम और सारी चीज़ें इससे वहीं। आपकी किस तरह की भूमिका होगी इस फिल्म में? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर निर्माता हूँ और ये सब हमारे कलाकार हैं। कब तक लाने का प्लान चल रहा है? जी, अभी मैं इसको दिवाली के आसपास उसे समय दरमियान, अभी बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं बारिश में शूटिंग तो कर नहीं सकते, इसके वजह से बारिश के बाद ही। इसके अलावा और भी कोई फिल्म पे आपका प्लानिंग चल रहा है? हाँ, मेरा फिल्म एक प्लानिंग चल रही है जिसका नाम है काशी पुत्र, वो इससे भी ब्लास्ट करने वाली मूवी है, बड़ी मूवी, चूँकि हमारे लिए मेगा स्टार की मूवी है जो है हमारे, उसमें दिनेश लाल यादव जी भी हैं उसमें, निरहू जी, और बड़ी फिल्म है। तो अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद वो करेंगे, उसको भी लाइन दी। इतनी कम उम्र में फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो तमाम लोग हैं? देखिए, उम्र का बात नहीं होती है, तो ऑडियंस का दुलार है, तो सबसे बड़ी बात स्ट्रगल होना चाहिए, सही ढंग से स्ट्रगल होना चाहिए। मैं आप सभी आर्टिस्ट को निवेदन करता हूँ, कोई भी दिशा हो, स्ट्रगल सही दिशा में होना चाहिए, अपने दिमाग को एकत्रित कर लो आप, चूँकि आपका दिशा क्या, आपकी राह, और वही आपकी राह ही चाह बनती है। मैंने स्ट्रगल किया, मैंने साप्ताहिक पत्रिका का चीफ रिपोर्टर भी रह चुका हूँ, मुंबई से हूँ, और सिंगिंग करता था, सिंगिंग से तो लोगों का प्यार, लोग सम्मान बना, फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया कि जो ऐसे आदर्श हमारे साथ में हैं, और जो भी आज हूँ मैं, आज भैया की देन है, सर की देन है, बाकी सब कुछ मेरा आदर्श, मैं इनको ही मानता हूँ, कोई मार्गदर्शन। ओके सर, इसके स्टार कास्ट के बारे में बताइए, क्योंकि फोटो सब बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है इस फिल्म में। आएगा सब, अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रही है और इसके फाइनल होने के बाद फिर बहुत सारे चेंजेस हैं जो है, सब मार्केट की है, मार्केट के नियम सबको लेके चल रहे हैं। बात कीजिए फिल्म में गाने कितने होंगे? गाने सर 8 गाने जो होते हैं। बाकी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, फिल्म की हीरोइन कौन सी होगी और हीरो कौन से होंगे? फिल्म का टीम तो हम लोग अभी तो क्या है, आज मुहूर्त हुई है, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमन स्वरूप जी, वो गाने बनाएंगे और बाकी के सारे टीम अभी इकट्ठा करेंगे सारे, धीरे धीरे
तो अभी मुहूर्त के बाद फिर स्क्रिप्ट पे चलेगी, क्योंकि हम लोग एक दो महीने से गोविंद सजनवा जी जो हैं हमारे गुरु सर, इनके साथ हमारी मीटिंग चल रही थी, तो जाके आज जाके हमने नारियल तोड़ा, मुहूर्त हुआ बड़े बाबा की कृपा से। आजकल की जो भोजपुरी फिल्में आ रही चमकती धमकती आइटम से भरपूर रहता है जी, और ऐसे में प्रोड्यूसर साहब बोले कि एक सामाजिक फिल्म होगी जी, ये सामाजिक फिल्म है और बहुत साफ सुथरी तरीके से बनाई जाएगी फिल्म और यूपी में शूट होगी, ये सारी हम लोगों की प्लानिंग है, अच्छे ढंग से बनाई जाएगी। देखिए साफ सुथरी तो फिल्म बनती है और चलती भी है, अगर आप मनोरंजन अच्छा हो, गाने स्क्रिप्ट अच्छी हो, कलाकार अच्छे हो निकलती है पिक्चर। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिक्चर जैसे कंप्लीट होती है आप लोग देखिएगा जरूर, बस यही हमारी गुजारिश है सबको। अरे अनिल जी, हमारे दर्शकों से मेरा सर्वप्रथम नमस्कार, मैं डायरेक्टर रतन रहा, ये हमारे लेखक अनिल विश्वकर्मा जी हैं और मेरे कई फिल्म लिख चुके हैं, इंस्पेक्टर चांदनी, उसके बाद कर्मयुग अभी रिलीज होने वाली है रितेश पांडे की, उसके बाद तकरार, बनारसी पहलवान, उसके बाद ये पिक्चर जो है तो ये लिख रहे हैं, तो कुछ कहिए नहीं जी, बताइए किस तरह की फिल्म होगी, कितनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म की? सर जैसा हमारे प्रोड्यूसर साहब गोविंद जी ने बताया बहुत अच्छा लगा, मैं सिर्फ टाइटल पे दो लाइन बोलना चाहूँगा, सन की आसिक है बलमा सन की आसिक, लेकिन बलमा को अगर हटाया जाए तो सन की आसिक पाते हैं। सन की आसिक दो तरह के होते हैं, एक सन की आसिक वो होता है कि जो अपने परिवार की या अपने माँ बाप की या किसी की परवाह किए बगैर एक किसी खास वस्तु के लिए पागल हो जाता है, चाहे वो लड़की है या जो भी है, लेकिन इसमें जो है जो आसिक है वो कुछ अजीब तरह का आसिक है कि जिसको पूरे समाज से पड़ी है, पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहता है, पूरे समाज को सुधारना चाहता है, इसीलिए उसका नाम है बलमा सन की आसिक। एक सन की दरोगा की फिल्म आई थी, हाँ जी रवि जी की, जी जी कुछ मिलती जुलती नहीं, बस यही है कि टाइटल मिलता जुलता है, कहानी कुछ नहीं मिलती जुलती। म्यूजिक डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की म्यूजिक होगी इस फिल्म में, क्योंकि भोजपुरी फिल्में म्यूजिक पे ही चलती है। सबसे पहले अमन श्लोक का सादर नमस्कार आप लोगों को, जितने भी मीडिया कर्मी इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। अभी हमारा महानगर के एक वरिष्ठ अधिकारी साहब कह रहे थे कि आज बहुत बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार भी है और सावन मास में, और विश्वनाथ क्रिकेट बैनर भी है हम लोगों का है, तो सचमुच ये बहुत बड़ा संयोग का दिन है और हम कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों का। रतन जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, चाहे स्टार कास्ट छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा स्टार कास्ट हो तो उतना ही मेहनत करते हैं, छोटे पे भी उतना ही फेथ करते हैं, उतना ही प्यार से काम निकलवाना इनको आता है, हर सब्जेक्ट को बहुत संजीदगी से काम करते हैं और म्यूजिक बनाने के लिए बहुत जो प्रोवाइड करना होता है सब कुछ बहुत करते हैं, बहुत मेहनत लेबोरियस डायरेक्टर में मानता हूँ इनको, इनके साथ एक तो का मेरा मैंने पहले भी किया तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और मेरा आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे मेरे संगीत से बद्ध किया हुआ, थमके बरस जरा थमके बरस मेरा महबूब आने वाला है, एक सुपरहिट सॉन्ग है मेरा हिंदी में, और एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी एक हिंदी फिल्म है जिहाद, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया, उसका संगीतकार भी मैं ही हूँ, और भोजपुरी में तकरीबन मैंने 80-85 फिल्में की हैं और हर फिल्म मेरे लिए पहली फिल्म होती है, उतना ही गहराई और उतनी मेहनत से हर फिल्म को मैं करना चाहता हूँ। रतन राहा जी, गोविंद जी जो प्रोड्यूसर हैं, और इस फिल्म के सभी कलाकारों को मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बनाएँ, एक अच्छा संगीत बनना चाहिए, संगीत अच्छे संगीत की ज़रूरत है, फिल्म तभी चलेगी जब बहुत बढ़िया संगीत बने, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाऊंगा ये आप लोगों को वादा करता हूं, और सभी मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से आप लोगों का शानदार इस्तकबाल कि आप इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। तो विलन के रूप में देखा जाता था लेकिन इस पोस्टर में आपको हीरो के रूप में दिखाया गया है, क्या कहना चाहेंगे बलमा सन की आसिक के लिए? आज तो जो है एक छोटी सी मुहूर्त है सर, इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी पूरी स्टोरी सुना नहीं है,
रतन जी ने थोड़ा सा एक वन लाइन सुनाया है, बाकी जो है स्टोरी के बारे में हमारे जो है राइटर और साहब और जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ये दोनों बताएंगे आप लोगों को। नहीं, इन्होंने तो बताया बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन आपको विलन के अलावा इसमें हीरो का रोल प्ले करने के लिए शायद दिया जा रहा है पोस्टर जैसा देखा जाए तो। बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इससे पहले भी हमारी जो फिल्म आई बलवा डेरी बाज, तो फुल फ्रेश हीरो आ रहा हूँ एज ए नेगेटिव, तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, आई थिंक 100 से ज़्यादा हो गई होंगी, तो बलवा डेरी बाज आ रही है, मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आ जाएगी सिनेमाघरों में, और इसके ट्रेलर और गाने यूट्यूब पर आ चुके हैं, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने देखा भी है और सभी ने अप्रिशिएट किया मेरे लुक का, मेरे काम का, तो खुशी होती है कि चलो मुझे जो है जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, जो यूट्यूब पे जो व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स हैं, सभी मुझे पॉजिटिव आया कि आपको विलन करते हैं तो भी अच्छा लगा और आप फर्स्ट टाइम हीरो बन के आ रहे हो, तो सभी का कमेंट जो था पॉजिटिव था, एक ये नहीं था कि यार क्या किया या होता नहीं, आप लोग सभी देख सकते हैं कि मतलब, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई घर का आदमी या कोई दोस्त तो कमेंट करेगा नहीं, उस पर अनलिमिट कमेंट्स होते हैं, अनलिमिट लाइक्स होते हैं, तो उस पर जितने कमेंट्स हैं मैंने खुद देखा, मेरे सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उनको खुशी भी कि आज आपकी जो मैंने लाइक देखे तो फिल्म में सबसे ज़्यादा मतलब लाइक और कमेंट्स आपके लिए, फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, हीरोइन है, विलन है, और भी एक और, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे दर्शक जो है मुझे पॉजिटिव में भी देखना चाहते हैं। आजकल अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो हीरो विलन की भूमिका में निभा रहे हैं और जो विलन है उनको हीरो की भूमिका में लाया जा रहा है। देखिए, अभी पहले का जो दौर था या एक ये इंडस्ट्री की भाषा शैली है कि लोग ये बोलते हैं कि टैग ठप्पा कि आपने जो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी ऑडियंस कभी नहीं बोलती कि हमने उसको विलन में देख लिया, हमें विलन में देख लिया, किससे बोलता है, किसी से बोलता है, आप लोग भी जाते हो, ये किसी से कुछ नहीं कोई बोलता कि हमें जो उसने विलन, ये हमारी इंडस्ट्री की सोच है, पता नहीं एक मतलब कह सकता हूँ कि, और ये भी बहुत मिथ हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो है हिंदी में बहुत सारे, अभी अक्षय कुमार इतना बड़ा था, अभी नेगेटिव में आ रहा है, रजनी जी हीरो है, रजनीकांत जी और ये विलन है, तो क्या होता है, हीरो विलन कुछ नहीं होता, दोनों कला है, दोनों, वो अच्छा काम करता है बुरा काम करता है, जो अच्छा करता है हीरो, जो बुरा काम करता है विलन, दैट्स अ वर्क, अच्छा और बुरा। तो अभी पुरानी चीज़ें थी कि जो है हीरो, अभी चूँकि जो विलन भी आ रहे हैं काफ़ी जो यंग आ रहे हैं और चार्म आ रहे हैं और पर्सनैलिटी वाले आ रहे हैं, तो पहले का जो दौर था, पहले के जो विलन थे थोड़ा सा एजेड रहते थे और थोड़ा सा उनके जो लुक क्रूएल रहते थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी मोस्टली अब साउथ की फिल्में देखी या हिंदी की फिल्में देखी, अभी जितने भी विलन भी हैं वो बिल्कुल हीरो के लेवल के। बात कीजिए भोजपुरी की, तो रवि जी को छोड़ के कोई भी एक्टर हीरो है वो विलन नहीं बनना चाहता? रवि जी को छोड़ के, रवि सिन्हा जी, अरे रवि किशन जी को छोड़ के, ऐसा देखिए सबकी सोच है, वही बता ना, सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे आप, मैंने हीरो किया, उससे पहले मैंने विलन किया और हीरो के बाद ही मैंने विलन कर, तो ऐसा तो नहीं कि मैं हीरो बन गया कि बलमा डेरी बाज में हीरो बन के आ रहा हूँ और लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं और कई कई लोगों का ऑफर भी आया ऐसा हीरो के लिए और भी आ गए, तो मैं भाई विलन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, मुझे अच्छा काम करना है, कल को भविष्य में लोग ये जाने कि अयाज खान एक अच्छा एक्टर था, उसने पॉजिटिव भी अच्छा किया, नेगेटिव भी अच्छा किया, कॉमेडी भी अच्छा किया, कुछ भी कर लेता था, दरअसल एक्टर, एक्टर वो होता है जो सब कुछ कर ले, एज ए स्मार्ट विलन। और अभी मैं दुर्गा जी थे एक हमारे प्रोड्यूसर ही थे, तो वो बोले कह रहे यार तुम तो यार विलन भी करते थे, तुम तो हीरो भी कर लिया, तुम हो क्या? पार्टी में अभी विद इन 10 डेज, 10 दिन पहले की बात है, तो दुर्गा प्रसाद जी ने बोला कि एज एक्टर, तो एक्टर कुछ भी कर लेता है और थप्पा पा कुछ नहीं होता, आपका काम अच्छा होना चाहिए। शाहरुख खान, विनोद खन्ना जी ने बहुत सारी फिल्मों में विलन किया, फिर वो बोले जैकी श्रॉफ जी बहुत सारी फिल्मों में, अजीत पंचोली बहुत है, लेकिन भोजपुरी के लोग डरते हैं विलन बनने से, इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए प्रोड्यूसर के डायरेक्टर के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बता देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर को, अपने प्रोड्यूसर्स को कि आज बहुत खुशी की बात है कि फिल्म का जो है छोटी मुहूर्त हुआ और सभी काफ़ी लोग आए हुए हैं और खुशी की बात है, और इस जिस मन और जिस शिद्दत से इस फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिस सोच के साथ, उस सोच के साथ फिल्म को बनाएं और ये सिनेमाघरों में आए और हमारी ऑडियंस, हमारी जनता इस फिल्म को जैसा प्यार दे, जैसा आशीर्वाद दे। थैंक यू।
देना चाहूँगी और आपके बारे में बैठे बाजू में इलियास जी के बारे में बताइए। नहीं बिल्कुल, इलियास जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मैंने पहले भी इनके साथ काम कर चुकी हूँ। इलियास जी के साथ में मेरी स्टार्टिंग फिल्म हटकरी इलियास जी के साथ में मैंने काम किया। क्या चीज़ अच्छा लगा इनके अंदर? इनके अंदर तो बता नहीं सकती क्या अच्छा लगा, बट जो भी काम किए मतलब बहुत अच्छा लगा, कम्फर्टेबल, क्योंकि इनका अब बता नहीं सकती, सीन नहीं बता सकती, वो आप देख सकते हैं। अच्छा यार जी, को आप हीरो ग्रुप में अच्छा देखना चाहते हैं या फिर विलन में, किस में अच्छे लगते हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा हैंडसम विलन में ही दिखते हैं। बिल्कुल, विलन भी हैंडसम होता है। हाँ बिल्कुल, एक हैंडसम विलन है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, बिल्कुल ये राइट है, इनके जैसा हैंडसम नहीं है अभी कोई विलन। इस फिल्म में आपकी किस तरह की भूमिका होगी? इस फिल्म में तो स्क्रिप्टिंग की जा रही है, अब तो फाइनल सेट पे जाके पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और रतन जी फाइनल करेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब और म्यूजिक डायरेक्टर बैठे, इनके बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरह के इनका काम है? फिर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सर जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इनका सॉन्ग आया था पहले थमके बरस, काफी सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा, तभी मेरा फर्स्ट नो डाउट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ अभी नया, मैं मतलब मेरे लिए प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूसर हमारे हैं वो भी नए हैं, अभी मैंने फर्स्ट टाइम मेरा मुलाकात हुआ म्यूजिक डायरेक्टर सर से हमारे, रतन जी को तो काफी टाइम से जानती हूँ, काफी नाम है, लेकिन जब गाना इन्होंने जब थमके बरस तो, लेकिन मतलब फेस कैसे, फेस बाय फेस अभी मतलब मैंने उनको अभी देखा। इलियास जी कुछ कह रहे थे, वो गाना जो है बहुत प्यारा गाना, सही बता रहा हूँ, आज भी बजता है तो गाने सुनने का मन कर रहा है। हो जरा थमके बरस, मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग जाएगा वो, थमके बरस, हो जरा थमके बरस, मेरा महबूब आने वाला है। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते, नमस्ते, मैं पहले सबको कहना चाहूँगी, और मेरा नाम है सपना पटेल, और इस संकी आशिक फिल्म में मैं अपना लीड कैरेक्टर कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त सर ने मुझे इस फिल्म के लिए मुझे कहा कि मैडम प्लीज़ आप तो मेरी फिल्म में लीड करो, कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी भोजपुरी में मेरी पहली फिल्म है ये, बाकी मैंने एल्बम्स वगैरह बहुत किया, जस्ट मैंने अभी हिंदी फिल्म किया, पर ये मेरी पहली फिल्म है। सो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी, और सर मुझे सबने मतलब ये कैरेक्टर के लिए मतलब मुझे चूज़ किया इसके लिए। आप इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का काम कर रही है, और सामने वाला जो है सनकी हीरो है, तो डर लग रहा है कि खुशी है? यही सोचिए कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और एक्चुअली मेरे लिए भोजपुरी फिल्म मेरी फर्स्ट फिल्म है, और सनकी आशिक में पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे मेरे डायरेक्टर सर के ऊपर और सर के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे इस फिल्म में मतलब बहुत अच्छे से अच्छे मैं अपना किरदार निभाऊँगी। थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, ये हमारे फिल्म के जो एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, हीरो भी हैं, शिवा अग्रवाल के, तो इनसे मिलिए, ये कुछ कहना चाहेंगे तो सर। मैं शिवा अग्रवाल अपने समस्त भोजपुरी के लोगों को अपना नमस्कार करना चाहूँगा, और सर इस फिल्म में भी हमारे रतन जी ने हमें फिर से दोबारा चांस दिया हुआ है, इसके पहले हमारी एक फिल्म तकरार जिसकी शूटिंग हो चुकी है, तकरार फिल्म आने वाली है, और उसके बाद हमारे रतन जी ने हमें ये दूसरा चांस दिया हुआ है इस फिल्म में बलमा सन की आशिक में। अब इसमें अभी हमारा कौन सा कैरेक्टर होगा, कौन सा लीड होगा, ये तो अभी हमें नहीं पता है, हमारे सर ने नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी होगा वो अच्छा है। अच्छा, रियल लाइफ में आप क्या बलमा है, सन की है या? अब देखिए सर, मैं बलमा भी देखने में तो मैं अपने आप को सब कुछ समझता हूँ, कभी कभी मेरा संकी भी मिजाज हो जाता है, और कभी बलमा पे भी कैरेक्टर में आता हूँ, जैसे जनता सोचे। आपकी फिल्में और कौन कौन सी आ रही हैं, और इस फिल्म में आप किस अलग अंदाज में दिखने वाले हैं? हाँ सर, कुछ अलग अंदाज में तो इस फिल्म में दिखने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले हमारी जो फिल्म तकरार आई थी मैंने उसमें भूमिका निभाई थी, और इस फिल्म में शायद मैं जानता हूँ कि मेरा हीरो का ही कोई रोल होगा, अब संकी आशिक में बनूंगा या हमारे जो
निर्माता गोविंद सजनवा जी हैं, वो बनेंगे अभी तो फिलहाल अपने को। निर्देशक रतन रहा जी हैं, उनके बारे में? हाँ, निर्देशक रतन रहा जी तो सबसे अच्छे इंसान हैं। जो इंसान सीढ़ी पे चढ़ना नहीं जानता है उसे वो आसमान पे चढ़ा देते हैं, अच्छा हौसला देते हैं और कमजोर लोगों को हमेशा साहस देने की कोशिश करते हैं। तो आप सीढ़ी पर चढ़े हैं आसमान पे? नहीं सर, मैं सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट किया और आसमान पे चढ़ के ही रहूंगा। जो मैं ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ये हमारी पॉलिसी है। तो क्या दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी दुलार प्यार आप लोगों का होगा तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। मैं अपने तरीके से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा काम करके साबित करूँ। और हमारे रतन जी जो विश्वास से हमें इस लाइन में उतारे हैं, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलूँगा। गोविंद सजनवा जी, सजनवा जी से तो अभी मैं, मेरा नया इंटरव्यू है उनसे, लेकिन मैं उनके बारे में सुना हूँ काफ़ी अच्छे इंसान हैं और अभी उम्र में भी छोटे हैं लेकिन हौसला उनका बुलंद है और जिसका हौसला बुलंद होता है वो कुछ भी कर सकता है। इस फिल्म में पीछे आपके एक दिख रहे हैं तो विलेन के रूप से प्रसिद्ध है लेकिन हीरो लग रहे हैं, अयाज खान जी। हाँ, अयाज खान तो काफ़ी चर्चित कलाकार हैं और सुपरस्टार भी हैं, विलेन की लिस्टों में उनका नाम शुमार है। लोग दुनिया उन्हें जानती है, लोगों की तो बात ही छोड़िए, अच्छे इंसान हैं और मेरे साथ वो काम कर चुके हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तकरार फिल्म में भी हमारे साथ में होते हैं, अच्छे इंसान हैं, उनका स्वभाव अच्छा है। ओके, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सुना है यहाँ तक, तो आई आई पब्लिक के बीच में अच्छी होगी। निर्माता है हमारे गोविंद सजनवा जी, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ गोविंद सजनवा जी को, हमने उनको इन्वाइट किए और हमारे साथ में बनारसी पहलवान फिल्म में रतन राज ने अच्छा काम किया, अच्छा है और डायरेक्शन भी अच्छा है इनका, अच्छी काफ़ी सारी महीने में एक दो मूड निकाल रहे हैं एक एक फिल्म का और दूसरे की, काफ़ी कॉर्पोरेट बंदे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे से इनका भी करेंगे जो भी प्रोजेक्ट है आई पब्लिक के बीच में, तो ठीक है। पहले तो समस्त भोजपुरी भाषा के प्रेमी श्रोता अशोक गोस्वामी के सबसे प्रणाम है कि जो बलमा आशिक आ रहा है। सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे रतन जी हैं डायरेक्टर हमारी फिल्म बनारसी पहलवान की, बहुत मज़े हुए डायरेक्टर हैं, इनके साथ काम करके मज़ा बड़ा मज़ा आया और अच्छे से डील करते हैं सबको और ट्रीटमेंट दिया इन्होंने सारे कलाकारों को।